मान्यमान उपस्थित सभी सकल जैन समाज की मेरी आत्मा है, कुमकुम से आस्था, पुष्प का प्रेम, चंदन से सम्मान और शब्दों का समर्पण लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा जय जय। मामला है हमारे परम पिता महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का। तो सबसे पहले मैं नमन करती हूँ हमारे परम पिता, हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी को चरण पंक्तियों में। तेरे दर पर मेरी भगवन मैं अर्जी लेके आई हूँ, तेरे दर पर मेरे भगवन मैं अर्जी लेके आई हूँ, तुम्हें पाने की जिद करके मैं घर से आज आई हूँ। मेरे ईश्वर मेरे भगवन मैं अकेली ना यहाँ आई, तुम आकर देखे लो आज मैं कितने भाग लाई हूँ। ना है कोई आज पैगंबर, ना है कोई आज गम, ना है कोई आज पैगंबर, ना है कोई आज गम, जन्म कल्याण का शुभ अवसर झूम रहे अवनी अंबर, जन्म कल्याण का अवसर झूम रहे अवनी अंबर, सब मिल करके नमन करे प्रभु चरणों में वंदन करे, सब मिल करके नमन करे प्रभु चरणों में वंदन करे, मिल करके सभी एक रहे ऐसा आशीर्वाद मिले, मिल करके सभी एक रहे ऐसा आशीर्वाद मिले। ना है कोई आज पैगंबर, ना है कोई आज गम, जन्म कल्याण का अवसर है झूम रहे अवनी अंबर। बोले महावीर स्वामी की जय। मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। कहते हैं कि मिट्टी जब समर्पित होती है तो गागर बन जाती है, बूंद जब समर्पित होती है तो सागर बन जाती है, बीज जब समर्पित होता है तो वृक्ष बन जाता है, और घी जब समर्पित होता है तो यज्ञ बन जाता है। इसी प्रकार कोई गुरु चरणों में समर्पित होता है तो वो साधु बना रहा हूँ, और साधु भी जब समर्पित होता है तो महात्मा बन जाता है, और महात्मा जब समर्पित होता है तो वो परमात्मा बन जाता है। आज से ठीक 2621 वर्ष पहले इस भारत भूमि की धरा पर बिहार राज्य में, पृथ्वीगढ़ राज्य में वर्तमान नाम के बालक ने जन्म लिया। उस बालक ने देखा उस समय हमारे भारत देश की स्थिति इतनी विकट थी कि भारत देश अज्ञानता के अंधकार में डूब रहा था, अंधविश्वासों ने जकड़ रहा था, कुरूतियों ने दबोच रखा था। तो उस बालक के मन में आया कि क्यों ना मैं जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए संयम के मार्ग का चयन करूं, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो देखते देखते वो समर्पण की राह पर इतने बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए कि उन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, देवत्व को प्राप्त कर लिया। हमारे धर्म में अवतारवाद में विश्वास नहीं किया जाता। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से देवत्व पद को प्राप्त कर सकता है, और ऐसा हमारे 24 तीर्थंकरों ने प्रमाणित भी किया। बात जब धर्म की आती है, जैन धर्म की आती है, तो मैं नहीं कहती, मेरे मिलने वाले अदर कम्युनिटीज के लोग कहते हैं कि आपका धर्म रिफाइंड रिलीजन, ग्रेट रिलीजन, परिष्कृत धर्म, उच्च कोटि का धर्म, जब ऐसा सुनते हैं तो हम गर्व से अभिभूत हो जाते हैं। वाकई हमारा जैन धर्म वो धर्म है जिसे ऋषभ देव ने हमें बतलाया था। ये वो धर्म है जिसमें अनगिनत ऋषियों और मुनियों ने इसको अपनाया था। ये वो धर्म है जिसमें
घाट पर गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। ये वो धर्म है जिसमें पल पल अहिंसा का पालन होता है। ये वो महान धर्म है जिसमें परमात्मा में आत्मा का वास माना जाता है। ये वो अनमोल धर्म है, ये वो दुर्लभ धर्म है जिसके लिए दुनिया वाले तरसते हैं, दुनिया वाले लालायित होते हैं। बात जब तरसने की आती है तो मुझसे ही जुड़ी दूसरी बात स्वतः ही आ जाती है कि एक बार की बात है कि महात्मा गांधी के पोत्र देवदास गांधी ने जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा, मैं चाहूंगी कि थोड़े से धर्म की बात हो रही है, ये जो बातें कर रही है थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें, हम सभी जैन समाज के लोग हैं और बात हमारे जैन समाज की हो रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं, बस हम ज्यादा लंबे समय नहीं लेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट की बात है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कहा देवदास गांधी ने कि डू यू बिलीव इन रिबर्थ, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जवाब दिया यस आई बिलीव इन रिबर्थ। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको मौका मिले तो आप पुनर्जन्म किस देश में और किस कुल में लेना चाहेंगे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जिसको सुनकर हम सब जैन लोग अभिभूत हो उठेंगे, गर्वित हो उठेंगे, अभिमानित हो उठेंगे। उन्होंने जवाब दिया, जवाबों के लिए अपनी तालियों को जरूर तैयार कर लीजिएगा उसको सुनने के बाद, कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा मैं हिंदुस्तान में और जैन कुल में पैदा होना चाहता हूँ। तो देखिए एक इतनी बड़ी राष्ट्र के एक वैज्ञानिक ने अपनी इच्छा भी व्यक्त की और हम सबको तो स्वतः ही वो धर्म विरासत में मिल गया, हमने जैन कुल का जन्म ले लिया। जब हमारे धर्म की बात होती है तो हमारे धर्म ने कोरोना में कितना रोल अदा किया। जो जैन धर्मावली वर्षों से जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे थे वो कोरोना में पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने उसका पालन किया, पूरे विश्व ने उसको फॉलो किया। जो हम जैन धर्मावली तो वर्षों से करते आ रहे हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी सांस्कालिक बन गई, वो अब भी बदस्तूर चल रही है। लेकिन दूसरी ओर जब हम धर्म की बात अच्छाई की बात करते हैं तो उसका कोई और जोर नहीं है, लेकिन कभी कभी एक व्यथा एक विशाद सा मेरे सामने आ जाता है, मेरे सामने ही नहीं पूरे जैन समुदाय के सामने आ जाता है कि महावीर ने मुक्ति का एक पथ बतलाया और उस पथ को पंथ हमने बनाया, उस पथ पर बिंदु हमने लगाया और बिंदु में इतने उलझे कि सिंधु को भुलाया। अंत में एक प्रश्न हमारे सामने आया कि तुमने क्या खोया क्या पाया, उत्तर बड़े अकड़ कर हमारे सामने आया कि तुमने कुछ नहीं पाया। जो जैन धर्म वट वृक्ष होता, जो जैन धर्म विश्व धर्म होता, उसको तुमने सीमित कर दिया, कमजोर कर दिया। तो आज आवश्यकता होती है एकजुट मिलने की और इसी बात को मैंने अपनी स्वरचित शब्दों को मैं थोड़ा सा गूंद के लाई हूँ, बस लास्ट में मैं उसी को आपके सामने शेयर कर रही हूँ। शब्द मेरे हैं, भाव आपके हैं, हम सबके हैं, तो लीजिए बस प्रस्तुत है 2 मिनट की मेरी ये रचना। महावीर की वाणी ही सब धर्मों का सार है, महावीर की वाणी ही सब धर्मों का सार है, महावीर के वंशज हम सब करते सबसे प्यार है, महावीर के वंशज हम सब करते सबसे प्यार है। एक राह के राही हम एक हमारी मंजिल है, एक राह के राही हम एक हमारी मंजिल है, फिर भी क्यों हम बिखर गए बात सोच के काबिल है, फिर भी क्यों